टूटल सपनवा रोवे जवनवा अग्नि बिरलैनी ये मोदी जी। आर्मी लवर हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके भावनाओं को समझ के मैं भारती में नया नियम ले आईनी चार साल के कई नियम बड़ा खर्चा भइल रहे करे में पढ़ाई यूपी में फिर से समाजवादी आई जीत वाला ताज अखिलेश के बना। मुद्दों को लेकर गाना गाती रही हैं और गाती हैं भी, और कई सारे गाने तो इनको डिलीट भी करवा दिए गए हैं यूट्यूब से, इतनी ज्वलंत मुद्दों को ही उठा देती हैं। सबसे पहले तो स्वागत है, एक बार परिचय बता दे अपना दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं सिंगर सीमा राज, गाजीपुर की धरती उत्तर प्रदेश से। आप भैया सोलभ हिंदी न्यूज से जितने भी हमारे परिवार और जितने भी हमारे दर्शक लोग जो वीडियो देख रहे हैं, सभी लोगों को एक ही स्वर में प्रणाम है। और मैं एक 4 साल की जो नौकरी निकली थी अग्निवीर, उस पर मैं एक गाना गई थी और सीमा राज यादव ऑफिशियल चैनल पे मेरा गाना था, जो कि 4-5 दिन तक तो कोई रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन फिर उसके बाद 2 ही दिन हुआ और मेरा गाना मतलब 7 दिन में 1,10,000 व्यूज गया। उसके बाद मेरा गाना डिलीट हो गया। उसके बाद मैं भैया सीएमएस वाले को फ़ोन की, भैया मेरा गाना डिलीट हो गया, तो बोलते मैं देखता हूँ। फिर उसके बाद देखे तो बोलते हैं कि ये राजनीति पॉलिसी रिलेटेड है, इसकी वजह से गाना डिलीट हो गया। अब सोचिए, और जो कि मैं अपने आर्मी, जो हमारे आर्मी लवर हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके भावनाओं को समझ के मैं एक गाना जो राइटर हमारे लिखे थे और मैं गाई थी, और हमारी यही मोदी जी से मांग थी और कहना था मेरा इस गाने के माध्यम से, और मेरा गाना डिलीट हो गया। तो क्या थोड़ा सा गाने के बोल बता दीजिए क्या था। टूटल सपनवा रोवे जवनवा अग्नि बिरलैनी ये मोदी जी, टूटल सपनवा रोवे जवनवा अग्नि बिरलैनी ये मोदी जी, अग्नि बिरलैनी ये मोदी जी, आर्मी में नया नियम ले आईनी 4 साल के कैनी ये मोदी जी, भारती में नया नियम ले आईनी 4 साल के कैनी ये मोदी जी। और सोचिए मेरा कहाँ ये गाना कहीं गलत आपको दिख रहा है, लेकिन पता नहीं सरकार को इस गाने से क्या दिक्कत हुई। लेकिन भाई कहते हैं ना, अभी तो एक ऐसा समय आ गया है कि जिसकी सरकार है वो जैसे चाहे वैसे नचा ले, जो कि पब्लिक ही बनाती नहीं है। तो ये आखिरकार ये आप अलग चीज बता रही हैं कि वो जो है राजनीति करण के कारण आपका गाना डिलीट करा दिया गया, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं, तो आज तक राजनीति है ना, मोदी जी से मैं डायरेक्ट गुहार लगाई हूँ, डायरेक्ट मैं मोदी जी से कह रही हूँ, तो इसमें कुछ राजनीति आ गया ना। इन लोग के नजर में तो राजनीति ही दिख रहा है। अच्छा, और उसके बाद भी कोई गाने गाई हैं आप? वो इसमें मेरा था जो गरीब माँ बाप पढ़ा लिखा रहे हैं बच्चे को, उसके बाद सोचिए 4 साल में बच्चा क्या करेगा, नौकरी करके 4 साल में माँ बाप का कर्जा भरेगा कि उन लोग का, जो बोलते हैं ना कि ये माँ बाप एक बेटा की परवरिश करते हैं, तो बेटा बड़ा हो जाता है तो माँ बाप का परवरिश करता है नहीं, तो उन लोग को देखेगा कि कर्जा भरेगा। तो था दुआरा पे भाई रोवे घरवा में माई, बड़ा खर्चा भइल रहे करे में पढ़ाई, दुआरा पे भाई रोवे घरवा में माई, बड़ा खर्चा भइल रहे करे में पढ़ाई, घुसवा देवे में गहना बेचाइल तनिको ना सोचनी मोदी जी, फिसिया देवे में गहना बेचाइल तनिको ना सोचनी मोदी जी, तनिको ना सोचनी मोदी जी, आर्मी में नया नियम ले आईनी 4 साल के कहनी मोदी जी, भारती में नया नियम ले आईनी 4 साल के कहनी मोदी जी। अच्छा, ये जो गाना अभी गा रहे हैं तो क्या विरोध कर रही हैं? तो आप किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ी हुई हैं क्या? नहीं, पार्टी से देखिए हम जुड़े नहीं हैं, हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन फिर भी हम देखिए कोई बच्चा हो
छोटा ही बच्चा ले लीजिए तो अगर उसके साथ कौन अच्छा व्यवहार करा कौन गलत व्यवहार उसको तो पता चलेगा ही ना। तो सरकार चाहे जिसकी भी हो, हमारे देश में जितने भी युवा लोग हैं, युवा साथी और उसके बाद पढ़ाई लिखाई करके सब लोग क्या चाहेंगे कि हम इतना मेहनत से पढ़ रहे हैं, जो किसान अपने बेटे को पढ़ा रहा है वही सोचेगा ना कि हमारी जिंदगी थोड़ा सुखमय से बीते। तो उसी को उन्हीं सब चीजों को अपने गाने के माध्यम से आपने गाया था। हम गाए थे और भी गीते इसमें सुसाइड भी बहुत सारे लोग किए थे, उसके उन लोग के लिए मेरा लाइन था, बढ़ल सुसाइड जब से अब फैसला बायाइल अतनिको ना सोचनी रहुआ कुछ ना बुझाइल, बढ़ल सुसाइड जब से फैसला बायाइल तनिको ना सोचनी रहुआ कुछ ना बुझाइल, बाबू के कंधा पर बेटा के अर्थी बाटे लदाइल ये मोदी जी, बाबू के कंधा पर बेटा के अर्थी बाटे लदाइल ये मोदी जी, बाटे लदाइल ये मोदी जी, आर्मी में नया नियम ले आईनी चार साल के कहनी ये मोदी जी, भारती में नया नियम ले आईनी चार साल के कहनी ये मोदी जी। इसमें ऐसा नहीं है कि बस हम गाने के माध्यम से ही बस गाए थे, जो दर्द हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग को भी दर्द होता है क्योंकि हमारे घर में परिवार में रिलेशन में बाकी हमारे हस्बैंड जी खुद हैं इतनी अच्छी खासी हाइट बेचारे तैयारी कर रहे थे लेकिन अब सब लोग छोड़ के हाथ पे हाथ धरे बैठे। बस हम लोग ये नहीं है कि बस गा रहे हैं तो उस भावनाओं को समझते नहीं, समझते भी हैं हम लोग। तो उन भावनाओं को समझकर आपने गाना गाया और गाना जो है आपका यूट्यूब से हटवा दिया गया। अब ये सोचिए मेरा एक गाना कहाँ से गलत था। अच्छा कब से गा रही हैं गाना होना आप? हम 2020 21 से गा रहे हैं। अच्छा 2021 से गा रहे हैं। हाँ। और भी कई सारे गाने निकले होंगे आपके? हाँ बहुत सारा गाना है मेरा, ये जो गठबंधन सरकार आई थी उन लोग पे भी मैं गाई थी। अच्छा। और अच्छा गठबंधन वाला कौन सा थोड़ा सा गा दीजिए। अच्छा कौन सा मतलब कौन सा? एक इन इस पे अखिलेश जी का गाना था, जीत वाला ताज अखिलेश की बनाई। अच्छा तो उस पर मैं गाई थी तो मेरा एक हफ्ते में 1 मिलियन व्यूज गया था, अभी मेरा 15 लाख गाना मतलब व्यूज गया उसका। अच्छा। 10 लाख नौकरी युवा करी है सरकारी, अब नहीं बेची के हूँ भाजी तरकारी, हाँ 10 लाख नौकरी युवा करी है सरकारी, अब नहीं बेची के हूँ भाजी तरकारी, आ घट जाई रोज जवन बढ़ल महंगाई, हाई यूपी में फिर से समाजवादी आई, जीत वाला ताज अखिलेश के बनाई। हम लोग को कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है कोई भी सरकार हो लेकिन उम्मीद रहती है, लेकिन हम इस उम्मीद से हम लोग गाए थे। और हकीकत है कि 2015 में जो वैकेंसी निकली थी मेरिट पे ही हुई थी, लेकिन जितने भी बच्चे लोग मेहनती थे बोलते हैं ना, बोल रहे थे कि कोई पढ़ने जो अच्छा खासा पढ़ने में नहीं था वो लोग भी भर्ती, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत के बल पे हुए हैं। तो बोलते हैं मेहनत करो कर्म अपने आप मिलता है, लेकिन यहाँ मेहनत करो कर्म करो उसके बाद भी कुछ नहीं मिलता। मैं खुद उसमें 2 नंबर से मेरा यूपी पुलिस में अच्छा। मेरिट वाले में जो था छट गया मेरिट मेडिकल में। अच्छा। उसमें मेरा दौड़ और सब निकाल लिए थे बनारस। अच्छा। में उसके बाद 2 नंबर कम हो गया था क्योंकि 410 पे हम लोग का बना था मेरिट। और अच्छा, समाजवादी पार्टी का भी गीत गाया आपने, तो समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं आप? सपोर्ट करते हैं इसलिए, मतलब ये नहीं है कि हम किसी पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे। देखिए बीजेपी अच्छा करेगी तो हम बीजेपी के लिए भी तैयार हैं। लेकिन गाना गा रहे हैं ना, तो क्या कोई भी राजनीतिक पार्टी आपको कहेंगी तो आप गाना गा देंगे उनका? गा देंगे, ऐसा नहीं, हम लोग सिंगर हैं, हम लोग कलाकार हैं, हमारे लिए कोई पार्टी कोई जातिवाद हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन हमको कहे नहीं थे
जो अखिलेश जी थे वो कहे नहीं थे कि हमारे लिए गाना गाओ, क्योंकि हम लोग छोटे मोटे कलाकार हैं, अभी हम लोग उतना दूर तक तो पहुँचे नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को क्या गलत है क्या सही है थोड़ा सा अनुभव तो रहता ही है। मतलब दिल की आवाज निकली हाँ, थी वो गाने हाँ, मेरे यहाँ जखनिया ब्लॉक से बेदी राम जी थे, गठबंधन सरकार थी, उसके बाद मैं खुद पूरा इनका प्रचार में मैं खुद गाई थी, अपना सपोर्ट की थी, मैं साथ साथ में इन लोग के प्रचार करती थी। तो और कोई गाना हो जो आप राजनीति से ही चाहें, कैसा जो बहुत ज्यादा चला हो वो थोड़ा सा एक बार? नहीं, भोजपुरी भी हम गाते हैं, अच्छा खासा गाना गाते हैं, आज के डेट में तो यही सब देवरा ढोड़ी चटना भाई ये सब ट्रेंड चल रहा है, आपको पता ही है अच्छा अच्छा गाना कहाँ वायरल होता है। और कहाँ हम लोग गए थे, गाना मेरा अभी आया है और अभी रंगदारी वाला भी गाना मेरा रिकॉर्डिंग हुआ, वीडियो बन रहा है, उसके बाद आएगा। और एक तोहरा का मालूम बा राजा कितना तोह पे मारी ले, आ तोहरा खातिर ये हो करे जा रोज सजी सवारी ले, तोहरा का मालूम बा राजा कितना तोह पे मारी ले, तोहरा खातिर ये हो करे जा रोज सजी सवारी ले, तोहर नमवा लिखले बानी अपना दिल के पलटवा पे और रजऊ हो रंगदार लगेला चलेला जब तू बुलेटवा पे, और रजऊ हो रंगदार लगेला चलेला जब तू बुलेटवा पे। इसका अंतरा है करिया मछिया करिया गमछिया सूट करे स्माइल पे, करिया मछिया करिया गमछिया सूट करे स्माइल पे, करिया मछिया करिया गमछिया सूट करे स्माइल पे, तोहर नेचर करे सिग्नेचर हमरा जवानी के फाइल पे, करिया मछिया करिया गमछिया सूट करे स्माइल पे, तोहर नेचर करे सिग्नेचर हमरा जवानी के फाइल पे, तोहरे रहिया देखे अखिया होके खड़ा अपना गेटवा पे और रजऊ हो रंगदार लगेला चलेला जब तू बुलेटवा पे, हर रजऊ हो रंगदार लगेला और चलेला जब तू बुलेटवा पे। वाह वाह वाह, क्या बात है। देख लीजिए, हमारे साथ सिंगर सीमा राज थी। तो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि ये तमाम राजनीतिक पार्टियों का भी गाना गाती हैं और एक गाना इनका YouTube से डिलीट करा दिया गया था। लेकिन ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।